हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश लोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर से आपके पास साथ सामने लेकर आया हूँ 11th क्लास फिजिक्स की लेक्चर सीरीज। तो दोस्तों, हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक के ऊपर प्रीवियसली दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो थ्रू आउट फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आप इस टॉपिक के बारे में सुनेंगे, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, या फर्दर हायर स्टडीज हो, क्लियर है? और हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना भी कंपल्सरी है, क्वेश्चन भी आएगा, क्लियर है? तो चलिए आज इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, देखिए, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है? डायमेंशन क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए, डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? देखिए, हमने बात कर रखी है कि हमने क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट पर डिवाइड किया था। वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है? और यूनिट्स को भी हमने दो पार्ट पर डिवाइड किया था। वन इज फंडामेंटल यूनिट, जो किसी पर रिलाय नहीं करती, और दूसरी क्या है, डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट से क्या होती है, डिराइव होती है। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना मतलब क्या है कि हर उस फिजिकल क्वांटिटी को, केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वांटिटी हो, बट हर उस फिजिकल क्वांटिटी को ओनली एंड ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, चाहे वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, क्लियर है? हर क्वांटिटी को, हर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी, हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रिलाय करती है फॉर इट्स मेजरमेंट, वो किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है अपने मेजरमेंट के लिए, क्लियर है? तो इस बारे में हमें यहां पर देखना है। तो हम यहां पर देखिए डायमेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। चलिए, तो डायमेंशन की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है डायमेंशन फॉर्मूला की, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स which is to be raised. Dimensions of physical quantities are the power which is to be raised to the fundamental, physical quantity. ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर दी पावर विच इज टू बी रेज टू दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन विच द क्वांटिटी बी रिप्रेजेंट, इन विच द क्वांटिटी बी रिप्रेजेंट। मतलब डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, are the powers which is to be raised to the fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities को दी जाने वाली powers, मतलब उनको raise की जाने वाली powers को हम क्या बोलते हैं, dimension of a physical quantity. Clear है? कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मास। तो मास के लिए यहाँ पर जो हम सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे m, length, लेंथ के लिए हमारा सिंबल होगा L, टाइम, टाइम के लिए हो जाएगा T, ठीक है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसके लिए हो जाएगा A, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हो जाएगा K, क्योंकि केल्विन, ठीक है ना, और इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसके लिए हो जाएगा सीडी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए हो जाता है मोल। ये सिंबल हमें यूज करना है, तो इन सिंबल्स को जो पावर दी जाएगी, कैसे दी जाएगी वो मुझे समझेंगे। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स को जो पावर दी जाएगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पावर को ही हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है गाइस? ठीक है ना, डेफिनेशन क्लियर है आपको कैसे पावर दी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, वन बाय वन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीखेंगे उसके बाद। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, यहां से मैं इसको नोट हटा देता हूं। तो देखिए हम आते हैं डायमेंशन डायमेंशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखना सीखेंगे, जैसे कि पहली मैं बात करूं एरिया। एरिया तो देखिए एरिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, मतलब कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है जिन पर वो डिपेंड कर रही है फॉर इट्स मेजरमेंट, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, और उस फॉर्मूले को किस सेंस में लिखना है आपको, उस फॉर्मूले को आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सेंस में। उस फॉर्मूले को किसमें लिखना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सेंस में। कैसे लिखना है देखिए, आइए समझते हैं। जैसे कि एरिया है, तो एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है। और कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फंडामेंटल। अगर मैं इसकी यूनिट लगाऊं तो इसके लिए आता है मीटर और इसके लिए भी आता है मीटर, और मीटर जो है वो लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। ठीक है ना, मतलब ये एरिया जो है वो लेंथ और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है मेजरमेंट के लिए। लेंथ अगर आपको ये पता लग जाए कि एरिया लेंथ और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो इस लेंथ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी का एल इनटू। इस लेंथ वाले के लिए भी हम कौन सा लेंथ का सिंबल यूज करेंगे, एल। दोनों एक एक बार आए हैं तो दोनों की पावर क्या होगी बेटा, वन। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एल की पावर पावर टू। बेस सेम होंगे तो ठीक है, पावर की जो है वो क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या बन गया, एल टू बन गया। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कैसे, एम जीरो एल टू टी की पावर जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है वो मास की किसी भी पावर पर रिलाई नहीं करता, टाइम की किसी भी पावर पर रिलाई नहीं करता। क्यों, क्योंकि एरिया को मेजर करने के लिए मास और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, लेंथ की टू पावर पर, मतलब लेंथ के दो, ठीक है ना, पैरामीटर पर जो है क्या कर रहा है, रिलाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ के केवल दो पैरामीटर पर रिलाई कर रहा है, जो कि है लेंथ और ब्रेथ। तो ये आपके क्या बन गया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली हम बात करें देखिए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है, तीनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इसके मेजरमेंट के लिए भी मीटर आता है, इसके मेजरमेंट के लिए भी मीटर आता है, इसके मेजरमेंट के लिए भी मीटर ही आता है। इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट इनटू क्या, एल थ्री एल वन एल वन एल वन। और आप इसको और प्रिसाइसली लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, एम जीरो एल थ्री टी जीरो। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर, और करें बात, चलिए स्पीड, स्पीड की बात कर लेते हैं बेटा। फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, और दोनों ही कैसी क्वांटिटीज है, दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। जिसको आपको और अदर फर्दर आगे ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके भी यूनिट रखेंगे तो यहाँ पर ये मेजर होगा मीटर से और ये मेजर होगा सेकंड से। तो मीटर और सेकंड जो यूनिट रखे ना मैंने, इन यूनिट्स के लिए सिंबल दे रहे हैं आप, तो मीटर के लिए कौन सा सिंबल आएगा बेटा, एल वन, सेकंड के लिए आएगा टी वन। समझ में आ गई बात, लिखना आपको इसी तरीके से, लिखना आपको इसी फॉर्मेट में है। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे,
एम जीरो एल वन टी माइनस वन, क्यों? क्योंकि ये टी ऊपर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला में लिखना है, तो टी को ऊपर लाकर के लिखेंगे, ऊपर लाएंगे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। क्लियर है बेटा सबको, आई होप क्लियर हो रहा होगा। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है मीटर, और टाइम क्या है सेकंड। तो दोबारा से क्या हो गया, एल वन टी वन, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही बनेगा बेटा, मास तो आया नहीं कहीं, तो एल वन टी माइनस वन, ये आपके वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं बेटा, समझ में आएगा आपको यहाँ तक, क्लियर है। जैसे कि नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, फाइव एक्सेलरेशन, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन किसकी पर डिपेंड कर रही है, देखा वेलोसिटी और टाइम पर। टाइम तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट क्या वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्लियर है ना। बट और हमें क्या करना है, हमें फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको वेलोसिटी को क्या और ब्रेक करना पड़ेगा, क्या वेलोसिटी और ब्रेक हो सकती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम। बोलो बात समझ में आई क्या, वेलोसिटी को लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी का दबाव फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी पावर में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कितने रिप्रेजेंट करना है एक्सेलरेशन को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर की टर्म्स में। तो मुझे वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अपॉन एक टाइम तो पहले से ही है, तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, यूनिट क्या आएंगी, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनके सिंबल ले लेंगे तो मीटर की जगह एल वन और सेकंड स्क्वायर की जगह टी टू, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल वन टी माइनस टू, जब मैं इसको अपॉन वाली टर्म को ऊपर लेकर आऊंगा मेरी क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, ये आपके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, देख लीजिए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। और बात करूं आगे, एक्सेलरेशन के अलावा एक टर्म होती है मोमेंटम, मोमेंटम जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा, बिना फॉर्मूले डायमेंशन फॉर्मूला नहीं क्रिएट होगा। तो फॉर्मूले जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ उनको प्लीज लर्न करें, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। फॉर्मूला मोमेंटम का क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें देखिए मास अगेन क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथ में लिखवा रखी है ना आपको, उसी में से चेक करना है। बट वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मास लेंथ और टाइम, तीनों की आ गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई। इनके लिए सिंबल ले लीजिए, मास के लिए सिंबल आ गया एम वन, डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया एल वन, टाइम के लिए अपॉन में आ गया टी वन। अपॉन वाले सिंबल को ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस वन। बोलिए समझ में आएगा क्या, ये मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया, क्लियर। और बात करें, चलिए और बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं फोर्स की बेटा। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए अब दोबारा से, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज नॉट, इसको अगर ब्रेक करूंगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम,
बट एक्सेलरेशन को और वेलोसिटी को और ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसको डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने डायरेक्ट कर रखा है। अगर ये आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात, सॉरी अगर ये आपको याद रह जाए बेटा, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लीजिए, एम के लिए तो सिंबल ले लो, और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, एल वन टी माइनस टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एल वन टी माइनस टू, ओवरऑल ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा बेटा, एम वन एल वन टी माइनस टू है, बिल्कुल सिंपल। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम वन एल वन टी माइनस टू, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसकी सीक्वेंस में हम देखते हैं वर्क। वर्क क्या होगा बेटा, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं सुने में पड़े हैं आपने छोटी क्लासेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला दो यहाँ पर, एम वन एल वन टी माइनस टू, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको डिराइव किया हुआ है, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, एल वन। अब जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आप बेस सेम होगा ना उसकी पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो एल एल की बेस सेम है तो ये हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। बात समझना आ रही है क्या, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बच्चों वाली चीज है ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये हो गया आपका वर्क। नेक्स्ट बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे एनर्जी की, किसकी बात करेंगे बेटा, एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो भी इज इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन। एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू वर्क डन। तो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है एम वन एल टू टी माइनस टू, वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी के लिए भी अप्लाई होगा। सेम डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा बेटा, एनर्जी के लिए भी अप्लाई होगा, घबराने की बात नहीं है। एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, जैसे एनर्जी दो तरह की होती है, जनरली आपने पढ़ी होगी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात बेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट। ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ये क्या है, ये टोटली क्या है, कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है, ये किसी तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशन किसका लिखा जाता है, डायमेंशन सिर्फ लिखा जाता है फिजिकल क्वांटिटी का, नंबर्स का न्यूमेरिक टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो आप इसको हटा दीजिए तो क्या बच गया बेटा, एम वी स्क्वायर, एम क्या है मास और वी क्या है वेलोसिटी। मास के लिए आगे एम वन, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एल वन टी माइनस वन, बोलो सही बात, वेलोसिटी का फॉर्मूला एल वन टी माइनस वन, मल्टीप्लाई कर दिया इसको पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए जल्दी से क्या समझदार बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर लास्ट फाइनल फॉर्मूला तो यही बनेगा, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है, क्लियर है ना। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो तो भी देखिए फॉर्मूला सेम ही बन रहा है, हर टाइप की एनर्जी का फॉर्मूला एक ही बनेगा। और बताऊं आपको, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम इज मास, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच क्या है बेटा हाइट है। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एम के लिए तो आगे एम वन एक्सेलरेशन जो होगा उसके लिए एल वन टी माइनस टू, चाहे वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन या किसी भी तरह के एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही होगा। और हाइट के लिए दोबारा से क्या आएगा बेटा, एल वन, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके बेस सेम होंगे उसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो देखिए दोबारा से आपके पास में डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं आया, तो किसी भी तरह की एनर्जी होगी आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला जो है उसके लिए सेम आएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना समझे आप, फिर यहां तक आप नोट कीजिए, ठीक है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला लेकर आऊंगा जिसको हम बनाना सीखेंगे, ये और उसको यहीं के यहीं याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी, इसको नोट कीजिएगा। ये होता है टाइप डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफाइड डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ही होगा, ठीक।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर स्टडी कीजिए। नेक्स्ट बहुत ही जल्द आपके पास में नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर कुछ और डायमेंशन फॉर्मूलाज होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में हम चलेंगे डायमेंशन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन पर। कहाँ चलेंगे बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन, मतलब ये कहाँ यूज कहाँ आते हैं, इनका यूज क्यों, हम ये इतनी दिक्कत माता बच्ची क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ यूज है फिजिक्स के अंदर, उनकी एप्लीकेशन उनको भी हम जानेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? आप इसको व्यू कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला की और। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।